अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे, तमाम परेशानी से बचाए। आप हमेशा मेरी दुआ में शामिल हैं, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में ज़रूर शामिल रखें। और यहाँ हम रिटर्न हो रहे हैं घर के लिए, और आप देख रहे भी होंगे रास्ते में कि कितनी सारी स्नो है, बहुत ज़्यादा स्नो है, लेकिन फिर भी रोड्स आज क्लियर है, काफ़ी बेटर है पहले से। आप देखें कि बीच में ये जो कार है ये स्ट्रक हो गई है, और ऐसे ये कार नहीं, ऐसे बहुत सारे कार्स हैं जो बीच में स्ट्रक हो गए इसकी वजह से, स्नो की वजह से, क्योंकि रोड कंडीशन बहुत ख़राब हो जाते हैं स्नो में, आइसी हो जाते हैं, और उसकी वजह से ना कार्स स्किड हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे हमने लिया था ब्रेक, क्योंकि आपको तो पता है हम ब्रेकफास्ट के बाद ही होटल चेकआउट कर चुके थे, तो जाहिर सी बात है भूख तो लगनी थी। बच्चों ने भी काफ़ी शोर मचाया था कि ना उनको भी भूख लग रही है, तो यहाँ पे फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर दे दिया था। और यहाँ पे देखिए ये जो है पिज़्ज़ा, यहाँ पे आपको ना जाके इनको बताना होता है कि अगर आपको चिकन चाहिए या फिर पेपरोनी पिज़्ज़ा चाहिए, तो आपको इनको बताना होता है कि हमको चिकन पिज़्ज़ा चाहिए या पेपरोनी चाहिए, तो उसके हिसाब से वो फिर हलाल बनाते हैं। और फिर ये उसके हिसाब से हलाल बनाते हैं, यानी हलाल चिकन, हलाल पेपरोनी लेके वो डालते हैं पिज़्ज़े पे। तो यहाँ पे ये स्टोर का नहीं, काफ़ी स्टोर्स का यही है कि ना अगर आप उनको हलाल बोलें तो वो स्पेशल फिर आपके लिए हलाल बनाते हैं, और उसका फिर वो एक्स्ट्रा भी चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया था, और फिर हम यहाँ पे इन्होंने कहा कि टाइम लगेगा उसको, 20-25 मिनट्स लगेंगे। तो फिर हमने सोचा कि ना हम फिर दूसरी जगह, हमको चाहिए था पपाइस, जो ब्रोस्ट चिकन होती है, तो फिर वहाँ पे हम वहाँ पे चले गए। वहाँ पे भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो इनके पास स्पाइसी अवेलेबल होती नहीं है। यूजुअली ये लोग जो माइल्ड होती है ना वो इनके पास होती है, ज़्यादातर माइल्ड बहुत ज़्यादा जाती है, इनकी स्पाइसी नहीं जाती, तो उसके लिए भी रुकना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि ना अगर 20-25 मिनट्स हम यहाँ का काम निपटा लेते हैं, हम यहाँ पे ऑर्डर आके, तो यहाँ पे हस्बैंड ऑर्डर दे रहे थे, और फिर हम यहाँ पे ना ये पिक कर लेंगे। और ये ब्रोस्ट चिकन कुछ नहीं, ये KFC जैसा होती है, मैं उसका प्रेफरेंस दे रही हूँ KFC का, क्योंकि अक्सर लोगों को KFC ही पता है। तो ये नॉर्थ अमेरिका में, जैसा US में ले लें आप, कनाडा में ले लें, पपाइस काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे हमने फिर पपाइस पिक कर ली, और उसके बाद हम आ गए थे पिज़्ज़ा पिक करने के लिए। और फिर देखिए ये हमारा यम्मी सा चीज़ी सा पेपरोनी पिज़्ज़ा, तो बच्चों को बहुत ही, यानी उनको भी बहुत अच्छा लगा, और आपको तो पता है ना गरम पिज़्ज़ा वो चीज़ी आके ना बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी। तो सार बच्चों ने भी खाया और साथ में हम भी खाए, बस ऐसी कार में बैठ के खा लिए। हम वहाँ पे नहीं गए थे स्टोर में, अगर आपके पास है वहाँ पे पिज़्ज़ा की जो स्टोर है वहाँ पे आपके पास है, डाइनिंग भी है, लेकिन हम वहाँ पे नहीं बैठे। और ये देखिए ये चिकन वाला है, वो जो था पेपरोनी का था, और ये जो है चिकन वाला है, तो हम वहाँ पे नहीं बैठे। वजह यही है कि अगर आप जाके बैठो तो फिर टाइम लगता है खा के, आपके आधा घंटा तो उसमें चले ही जाता है। और पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ है कि आप उसका स्लाइस लेके आप खाते खाते ड्राइव भी कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हो, खा भी सकते हो, आप ड्राइव भी कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए ये जो है पपाइस, मैंने जो आपको कहा था ना, ये पपाइस भी हमने ले लिया था, लेकिन बच्चों ने पपाइस नहीं खाया, पिज़्ज़ा खा लिया, क्योंकि पिज़्ज़ा का तो आपको पता है ना वो टेस्ट मज़ा अलग ही होता है। और यहाँ पे हमने 4 पीसेस चिकन के ले लिए थे, और आपको कॉम्बो में अगर आप लो तो उसमें फ्राइज़ भी आ जाते हैं, एक बिस्किट आता है, और चिकन के 4 पीसेस आते हैं। नमीरा को पसंद नहीं है, नमीरा और हस्बैंड नहीं खाते, तो ये अफ़ान, ज़ियान और मेरे लिए ही था। और इसके बाद हमारी गैस हो गई थी ख़त्म, तो हम यहाँ पे फिर गैस फिल करने के लिए भी आ गए थे कॉस्को पे। और उसके बाद फिर हम घर के लिए रवाना हो गए। और यहाँ पे भी स्नो है, लेकिन उतनी वर्स कंडीशन नहीं है जो दूसरे टाउन में हमको मिली थी, दूसरी सिटी में मिली थी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रोड्स क्लियर है, वैसे तो वहाँ पे भी थे, जिस दिन स्नो होती है उस दिन ही काफ़ी ख़राब हो जाते हैं रोड, और दूसरे दिन फिर अगर हवा रही उसके ऊपर, विंड रही, तो फिर आइसी कंडीशन हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ठीक रहता है वेदर, आप चला सकते हो। और यहाँ पे देखिए आप, मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि ना आपकी कार्स जो है ना आप वॉश नहीं करवाते, बहुत ज़्यादा डर्टी है, लेकिन आप देखें ये हमारे से भी ज़्यादा डर्टी है, क्योंकि होता यही है अगर आप वॉश भी करवाएं आपके कार, तो ये वेदर ऐसा हो जाता है स्नो पे, वो लोग सॉल्ट भी डालते हैं, उसकी वजह से ना सारे कार्स ऐसे ही ख़राब होते हैं। तो यही मकसद था मेरा ख़ास तौर पर वो कार को जूम इन करके लेने का, और इसके अलावा आप दूसरे कार्स भी नोटिस करें।
तो चलिए आज का वीडियो इतना ही था, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, टेक केयर, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी एंड एंजॉय द लाइफ। अल्लाह हाफिज़।